हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है जैसे कि मैंने कल आपको जीरो स्पेल के बारे में बताया था तो जीरो स्पेल मैंने आपको बताया था कि ये ये समझ लो एक व्हील है मेरी ड्राइंग के ऊपर मत जाना एक सर्कल गोल नहीं बना पाया हूँ तो ये ज़ीरो स्पेल है यहाँ से यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो स्पेल में सात नंबर आते हैं बारह पैंतीस तीन छब्बीस जीरो बत्तीस पंद्रह मतलब सेवन नंबर इन ज़ीरो स्पेल फिफ्टीन थर्टी टू जीरो ट्वेंटी सिक्स थ्री थर्टी फाइव एंड ट्वेल्व ऑल आर स्प्लिट ओनली ट्वेंटी इज स्ट्रेटअप ये आपका जैकपॉट नंबर होता है जीरो स्पेल में स्ट्रेटअप है ये स्प्लिट होते हैं ये सारे नंबर आज हम बात करेंगे ज़ीरो टू थ्री सीरीज ज़ीरो टू थ्री सीरीज वॉयजन भी बोलते हैं इसे बिग सीरीज़ भी बोलते हैं इसे स्मॉल सीरीज़ यहाँ होती है ये बिग सीरीज है इसके बिग सीरीज अपोजिट स्मॉल सीरीज फाइव एट सीरीज ठीक है अब क्या है कि इसमें नंबर कितने होते हैं देखो ट्वेंटी टू एक बॉर्डर है और इधर ट्वेंटी फाइव आपको सब रटा होना चाहिए बाईस अट्ठारह उनतीस सात 28 ऐसे करके आपको रटे होने चाहिए जैसे पच्चीस दो इक्कीस जैसे कुछ भी बोला जाए उन्नीस उन्नीस का नेबर क्या है उन्नीस का नेबर एक तरफ क्या होगा जीरो स्पेल वाली साइड में पंद्रह होगा बत्तीस होगा इस तरफ क्या होगा उन्नीस का नेबर चार होगा इक्कीस होगा देखो उन्नीस का चार इक्कीस नेबर है ऐसे ही आपको नंबर रटे होने चाहिए सात का नेबर क्या है अट्ठाईस है बारह है इधर क्या है उनतीस है अट्ठारह है ऐसे आपको ये डब्बर रटे होने चाहिए इसका फ़ायदा क्यों देखो अब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन समझो अब आपको जो सही स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ जैसे आपको लगता है जीरो स्पेल ये जो आ, कब लगेगा कि जीरो स्पेल मारेगा कि नहीं मारेगा ये अलग से ये अलग स्ट्रेटेजी है इसके लिए आपको हिस्ट्री जो रूलेट की गेम की हिस्ट्री है उसको पढ़ना और समझना आना पड़ेगा तो तब आप ये पता लगा पाओगे कि जीरो स्पेल कब मारेगा या जीरो स्पेल मारेगा कि नहीं मारेगा तो वो बाद का स्टेप है पहले आपको ये रटना पड़ेगा कि आपको बहुत सारे लोग हैं रूलेट खेलते हैं उनको पता ही नहीं जीरो टू थ्री सीरीज क्या होती है वॉइसन बिग सीरीज़ क्या होती है ये पता ही नहीं उनको ये समझना पड़ेगा तो अब आप इसको ये समझ लो ये कैसे निकालेंगे वो तो आने वाला मतलब वो समझ लो अगला लेवल है वो आगे का लेवल है ठीक है बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं मत करो आपकी मर्जी है आप लोग ही छूट जाओगे इंपॉर्टेंट वीडियो से और उसी दिन आप ग अपना पैसा गवा दोगे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है लोग जीत रहे हैं और मेरा वो चैनल बंद हो सकता है मनी इज नथिंग इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है लोग आ रहे हैं यहाँ पे वीडियो देख रहे देखो मतलब हजार व्यूज है वीडियो पे और सब्सक्राइबर चार सौ है उसमें भी बेल बेल नहीं दबाते मैं मैं नहीं बोलूंगा मैं आपको केवल याद दिला रहा हूँ आपकी मर्जी है तो कर लेना वरना कोई बात नहीं क्योंकि वो चैनल मेरा रातों रात मेरे तीन चैनल पिछले दो महीने के अंदर डिलीट हुए हैं रूल एट इंडिया जो पहले बनाया था वो डिलीट हो गया मनी इज नथिंग टू बनाया वो डिलीट हो गया एक और चैनल डिलीट हो गया रूलेट स्ट्रेटेजी करके बनाया था और उस चैनल वो चैनल कभी भी मेरा बंद हो सकता रात हो रहा था चलो तो इसको यूज कैसे करना है तो जब भी आपको मान लो आपका के, जो कैलकुलेशन आप सीखोगे आने वाले दिनों में आपको लगता है कि हाँ भी जीरो स्पेल मारेगा जीरो स्पेल आ सकता है तो जीरो स्पेल आप जब कवर करोगे तो जीरो स्पेल कवर होता है कितनी चार चिप में ठीक है चार चिप में जीरो स्पेल कवर होता है और ये जो सीरीज है ये जो सीरीज है ये आपकी नौ चिप में कवर होती है अगर मैं गलती ना कर रहा हूं तो नौ चिप में कवर होती है नौ चिप के अंदर आपका वॉयजन कवर होगा इसमें मिनिमम आउट भी स्प्लिट का मिलेगा मतलब कॉर्नर होगा पर कॉर्नर पर दो चिप रखी होगी अगर कॉर्नर पर दो चिप रखते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है ना जैसे मान लो ये स्क्वायर है इस पर आप यहाँ चिप रखोगे तो स्प्लिट हो गया है ना पर अगर आप ये यह चिप यहाँ रखते हो तो ये कॉर्नर हो गया पर इस पर अगर आप दो चिप रखते हो तो स्प्लिट हो गया तो ऐसे करके इसमें जो कॉर्नर है वो भी स्प्लिट है ठीक है अब आप मेन बात समझ लेना अब जब भी आपको लगता है कि जीरो स्पेल आने वाला है या जीरो स्पेल चल रहा है या जीरो स्पेल मारेगा तो एक बात ध्यान रखना कि जीरो स्पेल चल रहा है तो हो सकता है बॉल अट्ठाईस पर गिर जाए सात पर गिर जाए या उन्नीस पर गिर जाए या चार पर गिर जाए ऐसा होता है ना उस समय आपकी बेट चली जाएगी जीरो स्पेल के साथ अगर आप जीरो स्पेल को छोड़ते हो और ये कवर करते हो तो आपको प्रॉफिट तो तब भी होगा बॉल यहाँ पर गिरेगी तो आपको प्रॉफिट तो होगा और उसमें भी जैकपॉट नंबर जो है ट्वेंटी सिक्स रहेगा जीरो थ्री पर भी ज़्यादा रहता है तो ट्वेंटी सिक्स रहेगा पर प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि आपने ज़्यादा नंबर कवर कर लिए आपने नंबर कवर कर लिए ज़्यादा हमेशा बारह करीब नंबर कवर होने चाहिए बारह से पंद्रह नंबर से ज़्यादा कवर नहीं होने चाहिए अब इस पर नंबर देखोगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह आपने सत्रह नंबर कवर कर रखे हैं और सत्रह नंबर पर वॉयजन ने अपने हिसाब से चिप लगाई हुई है आपके पास जैकपॉट नंबर जो बनेगा ट्वेंटी सिक्स हो गया या जीरो थ्री हो गया उस पर ज़्यादा पे आउट नहीं मिलेगा प्रॉफिट में तो रहोगे पर बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा तो इस ट्रिक क्या है स्ट्रैटेजी क्या है जब भी जीरो स्पेल के चांस हो तो जीरो स्पेल लगाओ प्लस वॉइजन लगाओ नौ चिप प्लस चार चिप इज इक्वल टू तेरह चिप ठीक है ये नौ चिप में हो गया और ये चार चिप में तेरह चिप कोई भी नंबर आएगा कोई भी नंबर आएगा इसमें से आपको तेरह चिप से ज्यादा ही मिलेगा ये बात ध्यान रखना पर ये सात नंबर जो आपके मेन नंबर है इनमें बॉल गिरेगी आपका वो नौ चिप का तो पे आउट मिलेगा मिलेगा प्लस बारह और पंद्रह का स्प्लिट का मिलेगा 35 आ गया तो पैंतीस और बत्तीस का स्प्लिट का मिल जाएगा तीन आ गया तो जी तीन और जीरो का मिल गया और छब्बीस आ गया तो जैकपॉट नंबर क्योंकि छब्बीस पे आपको इसका स्टेटअप भी मिलेगा और यहाँ का पे आउट भी मिलेगा इसलिए आपको ये मालूम चाहिए जीरो स्पेल एक ये सलाह है कि जब भी जीरो स्पेल लगा आने की संभावनाएं हो जीरो स्पेल चल रहा हो तो सिर्फ इतना मत ध्यान में रखना भी जीरो स्पेल पर ही बॉल गिरेगी उसके आसपास भी गिर सकती है तो आपके पास दो तरीके हैं एक जो मैंने कल बताया था स्टार बना करके कि अगर खाली जीरो स्पेल खेलना है तो अट्ठाईस और उन्नीस को कैसे भी कवर करके चलना एक ये तरीका है ठीक है दूसरा यह तरीका है कि जीरो स्पेल और वॉयजेड एक साथ लगाओ नौ चिप में ये पूरा नंबर कवर हो गया और चार चिप में ये कवर हो गया तो ये आपके सारे बड़े पेआउट के नंबर रहेंगे और इसमें भी ट्वेंटी सिक्स जो है ये आपका जैकपॉट नंबर रहेगा तो ऐसे आपको इसको आपको रटना पड़ेगा अब ये क्या होगा इसको रटने का फायदा क्या होगा कि आप ऐसे बैठे हो गेम को हिस्ट्री को समझना चाह रहे हो और आपने देखा अट्ठारह मार गया फिर आपने देखा चार आ गया फिर आपने देखा सात आ गया फिर आपने देखा पच्चीस आ गया अब जिसको ये नहीं मालूम है वो मालूम क्या बोलेगा यार ये तो नंबर ही उल्टे सीधे मार रहा है मेरी तो बैट जा रही है क्योंकि उसको नहीं मालूम कि ये वॉयजन पर बॉल गिरा रहा है मेरे को कसीनों में दो लड़के मिले राजस्थान से आए हुए थे ऐसे ही वो कह रहा है कि मैं तो शौके तौर पर मेरा दोस्त खेलता है मैंने वो आया मेरे पास कह रहा हमने आपको वीडियो देखी मैं क्या कैसे खेलते हो कह रहे बस डजन लगा देते मैं किस आधार पर डजन लगाते हूँ कह रहा हैं पता ही नहीं जीरो स्पल चल रहा था उस समय उसने बीच वाला डजन लगाया पंद्रह आया था उसने बीच वाला डजन लगाया बत्तीस मार गया उसने लास्ट वाला डजन लगाया वो बत्तीस मार गया, गया छब्बीस मार गया ये सब चल रहा है क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि ये जीरो स्पेल चल रहा है अगर जीरो स्पेल चल रहा होता उसको उसको नंबर रट्टे होते वो सीधा कहता अरे ये तो जीरो स्पेल की तरफ बॉल चल रही है तो वो क्या करता जीरो स्पेल प्लस वॉइस कवर करता तो ये बहुत आपको ना सब पता होना चाहिए अगर आपको ये नहीं पता है ना तो आप क्या बोलोगे अरे यार बाईस मार गया पच्चीस मार गया अरे बाईस और पच्चीस साथ में आते ही एक स्प्लिट पे एक चिप पे लग सकते हैं अगर आप वॉयजेंट डायरेक्ट भी नहीं लगाना चाहो आपको नंबर सारे कवर करने चाहिए छब्बीस को उनतीस के साथ स्प्लिट कर सकते हो है बाईस को पच्चीस के साथ स्प्लिट कर सकते हो ऐसे करके आप बहुत सारे नंबर इक्कीस को अट्ठारह के साथ स्प्लिट कर सकते हो और बताओ छब्बीस को तीन के साथ कर वो तो जीरो स्पेल का होता ही है कि छब्बीस को उनतीस के साथ कर लिया जीरो को तीन के साथ कर लिया पैंतीस को बत्तीस के साथ कर लिया पंद्रह को बारह के साथ कर लिया अट्ठाईस को उनतीस के साथ भी कर लिया चार को सात के साथ कर लिया चार सात के साथ स्प्लिट हो जाएगा दो भी जीरो के साथ कर सकते हो तो इसमें आपके कुछ नंबर ज्यादा पे आउट होगा अभी भी सारे नंबरों पर बराबर पैसा नहीं लगा होना चाहिए बस ध्यान रख लेना भले ही आपका कम पे आउट वाला पैसा है नंबर आए जब कम पे आउट वाला आएगा तो ज़्यादा पे आउट वाला भी तो आ सकता है में, मोटी बात है लॉस नहीं होना चाहिए चाहे बराबर में छूट जाओ चाहे एक बैट पे सौ रुपया बच जाए पर जाना नहीं चाहिए हम कहते हैं ओ यार सौ रुपये तो आए हैं पाँच सौ ही तो आए हैं बहुत कम पे आउट वाला आया अरे कम वाला आया वो ऐसा नंबर भी मार सकता था इन सब में जिसमें कि आपका पूरा का पूरा पैसा चले जाता तो इसलिए जब भी छोटा अमाउंट भी आया तो उस पर भी खुश हो कि गया नहीं है तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम का आएगा इसको बोलते हैं जीरो टू थ्री सीरीज वॉयजन बिग सीरीज ये सब इसी को बोलते हैं हमने जीरो स्पेल की कल बात करी थी आज हमने बिग सीरीज़ की बात करी है अब इसके बाद हम कल बात करेंगे ऑर्फिन लाइंस की और मैं अब उस वाले चैनल पर वीडियो नहीं डाल रहा हूँ इसलिए यहाँ पर ही आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो लोग यहाँ पर सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करेंगे और पर्सनल सब्सक्राइब और वो जो भी होता है बेल बेल का वो भेजेंगे मैं उनको एक ऐसे लाइटिंग रूलेट के बारे में आने वाले दिनों में बताऊंगा जिस लाइटिंग रूलेट में आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी मैंने बहुत रिसर्च के बाद वो निकाला है है तो सामने ही है साइड पर ही है सीविंस पर ही मौजूद है पर वो मिलता नहीं है आपको मालूम नहीं पड़ता कम से कम बीस वहाँ पे लाइटिंग रूलेट है और लाइटिंग बुलेट की क्या माइनस पॉइंट है और क्या खास बात है माइ लाइटिंग बुलेट नहीं खेलना चाहिए और कब खेल सकते हो कौन सा वाला खेल सकते हो ये सब मैं पर्सनली आप लोगों को बता सकता हूँ टेलीग्राम पर पर उसके लिए आपको इस चैनल पर जुड़ना पड़ेगा क्योंकि आप सब लोग यहाँ पर अपने लालच के लिए जुड़े हुए हो कोई समाज सेवा या उद्धार के लिए नहीं जुड़े हुए आपको सबको अपना गया हुआ पैसा वापस चाहिए या अपना पैसा बढ़ना चाहिए तो उसमें कोई गलत बात नहीं है मेरा भी कुछ नहीं जा रहा है पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने इतनी डेढ़ साल से मेहनत करी और मेरा चैनल खतरे पर पड़ा हुआ है और लोग कोई सब्सक्राइब जुड़ नहीं था मतलब मेरे नए चैनल पर मैं ये हैरान तो चलो बाकी आपकी मर्जी है ये कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ ना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये आपकी अपनी चॉइस है आप नहीं भी करोगे तो मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं मैं अपना काम करता रहूँगा ओके गुड बाय थैंक यू